अब आप अगर इसके डिस्प्ले में देखेंगे, आप जैसी आप जो है वो टर्म जो है वो सर्च करते हैं, कीवर्ड सर्च करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैश, या आप अपना कीवर्ड सर्च करते हैं, तो पबमेड आपको जो रिजल्ट्स दे रहा होता है वो हमेशा जो अपडेटेड रिजल्ट हैं वो सबसे पहले आपको यहाँ दे रहा होता है, मेंशन कर रहा होता है। ठीक है, तो ये अगर आप यहाँ देखें तो ये रिजल्ट यहाँ इसने मेंशन किए हुए हैं, सही, जो अपडेटेड रिजल्ट्स हैं वो अपडेटेड जो पेपर पब्लिश हुए हैं वो इसने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज जरा समझ लें कि ये जो डिस्प्ले सेटिंग होती है क्या होती है। ठीक है, अब जो सर्च रिजल्ट आते हैं बेसिकली इनमें अगर हम डिस्प्ले सेटिंग की बात करें तो एक चीज होती है यहाँ डिस्प्ले सेटिंग, ये अगर आपको नजर आ रहा हो ये रहा डिस्प्ले सेटिंग, मैं अभी वहां पे दिखाता हूँ। तो आमतौर पे ये डिस्प्ले सेटिंग बाय डिफॉल्ट जो है वो समरी पे सेट होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा ये किसी और पैरामीटर को शो करे, यानी जितने भी रिजल्ट्स आएंगे, जितने भी आर्टिकल के जो रिजल्ट्स आएंगे, ये जो आपने कीवर्ड सर्च किए हैं उसके अगेंस्ट जो आर्टिकल के रिजल्ट आएंगे वो तमाम के तमाम समरी बेस्ड होंगे। ठीक है, यानी वो समरी प्रेजेंट कर रहा होगा। इसको हम देख लेते हैं अभी यहीं। देखिए ये अगर आप देखें तो, अच्छा अब ये इसका थोड़ा सा मैंने पहले ही बताया कि ये इसका जो इंटरफेस है थोड़ा सा वो चेंज हो गया है पबमेड का पहले से। तो अब देखो ये इस तरह से ये डिस्प्ले ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, डिस्प्ले ऑप्शन पे आप जाके अपनी मर्जी से जो फॉर्मेट है वो है समरी का, आप चेंज भी कर सकते हैं। आप कह जी नहीं मुझे एब्स्ट्रैक्ट दिखाएं, ये आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जी अब मोस्ट रिसेंट जो है वो टॉप पे है। जो सॉर्टिंग का क्राइटेरिया है वो ये है कि सबसे जो जो रिसेंट है वो सबसे टॉप पे होगा। आप चाहें तो यहाँ क्राइटेरिया है उसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो बेस्ट मैच कर दें या पब्लिकेशन डेट वाइज चले जाए, तो इट डिपेंड्स ना। तो इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले सेटिंग में जाके, सही। अब जो ओल्डेस्ट वन था वो पहले आ गया, अगर आप यहाँ देखें ये हमने भी क्या किया, अगर इसको आपने क्लिक किया तो जो जो ओल्डेस्ट वन है पहला जो आर्टिकल इस पे आया था वो 1952 में आया था। इस कीवर्ड पे अगर आप देखें मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में जिसमें बात की, जो पहला पेपर आया था जो पबमेड हमें रिकॉर्ड दिखा रहा है वो 1952 का है, क्रॉनिक कार्डिक एनोरिज्म के नाम से। ठीक है, ये क्योंकि हमने डिस्प्ले सेटिंग चेंज कर दी तो ये इसने हमें जो सबसे पहला आर्टिकल है उसको पहले नंबर पे कर दिया और जो सबसे रिसेंट आर्टिकल है उसको लास्ट पे जाके इसने कर दिया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले सेटिंग से जो इनिशियल आपके पास सॉर्टिंग रिजल्ट्स आएंगे उनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप एब्स्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं कि भाई आप डायरेक्टली जो है हमें क्या दिखाएं, एब्स्ट्रैक्ट दिखाएं। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली समरी को जो जो आर्टिकल होता है उसकी समरी को कह रहे होते हैं। अब देखो ये डायरेक्टली क्या दिखा रहा है, आर्टिकल की समरी दिखा रहा है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपको अब जो ये जिसका फॉर्मेट हो गया है वो फॉर्मेट क्या हो गया है, ये हर आर्टिकल का जितने भी आर्टिकल है उनका एब्स्ट्रैक्ट दिखा रहा है। ठीक है, जबकि समरी में क्या दिखा रहा था, समरी एक्चुअली समरी से मुराद जो थी वो पूरे ओवरऑल आर्टिकल की इंफॉर्मेशन थी कि भाई ये पूरे आर्टिकल की इंफॉर्मेशन है, ये इसका टाइटल ये है जो आपके कीवर्ड से मैच करता है, ये इस जर्नल में पब्लिश हुआ है, इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन ये है, इसका DOI नंबर ये है, ये तमाम की तमाम चीजें एज अ समरी दिखा रहा था। लेकिन जब आपने सेलेक्ट किया कि नहीं जी आप मुझे हर आर्टिकल की जो है वो एब्स्ट्रैक्ट भी दिखाओ, एब्स्ट्रैक्ट उस आर्टिकल की जो उसका काम है उसकी समरी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ डिस्प्ले सेटिंग में जाके क्या कर सकते हैं, अपने अपनी जो आपकी आपकी नीड्स हैं उसके मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या डिस्प्ले सेटिंग को चेंज कर सकते हैं।
इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने डिस्प्ले ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ देखो तो ये बेसिकली क्योंकि डिस्प्ले चेंज हुआ है, अदरवाइज ये पहले ये तमाम चेक्स आपको इस तरह से दे देता था, यानी क्योंकि स्लाइड पहले की है तो ये इस वजह से आपको यहाँ डिफरेंस नजर आ रहा है, इसलिए मैं लाइव करके भी बता रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको पता रहे कि इसको चेंज कैसे करना है। ठीक है, तो डिस्प्ले सेटिंग को हम इस तरह से चेंज करके अपने अकॉर्डिंग जो हमारी नीड है उसके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, अच्छा अब यहाँ से अगर आप देखो तो एक और चीज हमें जो ऑप्शंस मिलते हैं वो इसकी साइड बार में जो है वो बहुत ही कोई ऑप्शंस बहुत ही कमाल के ऑप्शन है जो पब्मेड हमें दे रहा होता है। अगर तुम साइड बार में यहाँ देखो लेफ्ट साइड पे, अगर तुम ये वाली लेफ्ट साइड वाली बार देखो तो यहाँ पे पब्मेड तुम्हें बहुत सारी चीजें दे रहा है। ठीक है, ये बेसिकली फिल्टर्स कहलाते हैं। फिल्टर क्या है, फिल्टर का मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन को जो मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ उससे उसको फिल्टर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर तुम यहाँ पे देखो, अब तुम्हारे पास तुमने माइकार्ड इन्फेक्शन के ऊपर तुमने काम करना है या तुमने किसी भी डिजीज पे काम करना है, तुमने सर्च किया तो तुम्हारे पास कोई 57,331 रिजल्ट्स आए। ठीक है, अब तुम ये 57,000 पेपर्स तो नहीं पढ़ सकते हो, तुम मजीद अपने कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो और कि तुम और पर्टिकुलर किस एस्पेक्ट में काम कर रहे हो। ठीक है, या तो तुम वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, साथ साथ तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, क्योंकि देखो तुम 1953 का पेपर तो नहीं पढ़ोगे ना, तुम क्या करोगे एनसीबीआई को बोलोगे कि भाई आप ऐसा करो अगर जो मोस्ट रिसेंट लास्ट कुछ ईयर्स के एक साल के आर्टिकल है उससे मुझे वो शो कर दो। तो यहाँ अगर तुम आगे चेक लगा दोगे, ठीक है, पब्लिकेशन डेट पे, तो ये क्या करेगा, सिर्फ तुम्हें एक साल की आर्टिकल्स जो है वो मैच जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ देखो टोटल तुम्हारे पास कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, 655 रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ पे 57,000 रिजल्ट्स और कहाँ पे 655 रिजल्ट। ठीक है, अब ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, यहाँ पे तुम अपने फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर नीड तुम चीजों को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो देखो पहले चीज तुम्हें नजर आ रही ना वो ये है, टाइमलाइन है। टाइमलाइन को अगर तुम देखो, टाइमलाइन बेसिकली ये बता रही है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1952 में। ठीक है, हम इसको इसको ओपन करके देख लेते हैं, लेट मी ओपन इट। बल्कि तुम इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, अगर इसको तुम डाउनलोड करके देखो तो ये तुम बताएगा, ये जो ग्राफ बन रहा है ना ये बेसिकली बता ही रहा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने पब्लिश हुए हैं। देखो तुम इसको एक्सेल की फाइल में डाउनलोड भी कर सकते हो, हालांकि इसकी एज सच नीड नहीं है डाउनलोड करने की, लेकिन ये तो ग्राफ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो ये बता ही रहा है कि भाई कितने नंबर ऑफ आर्टिकल पब्लिश हुए किस किस साल। फॉर एग्जाम्पल 1970 में इस टॉपिक पे 589 आर्टिकल्स पब्लिश हुए, 72 में 817, ठीक है, अब ये तुम देखते जाओ, 86 में 773, तो ये तुम्हें वन बाय वन इंडिविजुअल ईयर्स की एनालिसिस भी करके दे रहा है कि भाई इस साल 2000 आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, इस साल 1950 आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। ठीक है, सो इट्स अप टू यू कि आप किस ईयर का देखना चाह रहे हो, तो आप इसको यहाँ से भी जो क्या कर सकते हो कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ से कस्टमाइजेशन कैसे होगी, डायरेक्टली सेट कर लो, यहाँ से इस तरह से डायरेक्ट सेट कर लो कि ये 2000 में तुम मुझे सिर्फ 2015 से 2020 तक का डेटा दिखाओ। आप जैसे इसको सिलेक्ट करोगे ये ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल का डेटा दिखा देगा जो कि 7,960 रिजल्ट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, और आप एक काम और से कर सकते हो कि भाई आप इससे कह सकते हो कि भाई मुझे सिर्फ वो दिखाओ आर्टिकल जिनके फुल टेक्स्ट फ्री में अवेलेबल हो, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी है। अभी आपको सिर्फ वही आर्टिकल दिखाएगा पिछले 5 साल में जिनके फुल टेक्स्ट फ्री अवेलेबल है। देखो हर जर्नल जो है ना वो अपने आर्टिकल फ्री में नहीं देता है पबमेड पे, समरी जरूर मौजूद होती है वहां पे, एब्स्ट्रैक्ट जरूर मौजूद होता है, लेकिन फुल आर्टिकल नहीं होता, हमेशा नहीं होता, सम टाइम फुल आर्टिकल होता है, सम टाइम फुल आर्टिकल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखो कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आप देख सकते हो
कि भाई ये मैंने सिर्फ 2015 से बल्कि 2017 से 2020 तक का जो है मैंने पीरियड सिलेक्ट किया है, टाइमलाइन सिलेक्ट की है, इसमें तुम से मुझे वो आर्टिकल दिखाओ जिनके फुल टेक्स्ट अवेलेबल हैं, ताकि अगर मुझे पेपर डाउनलोड करना हो तो मैं कर सकूं। ठीक है, तो अब ये यहाँ से आप फिल्टर यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ कुछ फर्दर एसोसिएटेड डेटा है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्लिनिकल स्टडीज होती हैं डिफरेंट, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। भाई मैं सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स की बात कर रहा हूँ जो इससे मुताबिक हुए हैं, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन से रिलेटेड जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं पिछले 3 साल में। आप सिर्फ मुझे वो रिजल्ट दिखाओ, सिर्फ वो पेपर दिखाओ जिनमें क्लिनिकल ट्रायल किया गया है पिछले 3 साल में और जिनका फुल टेक्स्ट अवेलेबल है। ठीक है, इस तरह से कोई रैंडमस कंट्रोल ट्रायल्स हैं, ठीक है, इस तरह से कोई रिव्यू है। ठीक है, अब आर्टिकल में और रिव्यू आर्टिकल में फर्क होता है। ठीक है, देखो आर्टिकल जो होता है ना, आर्टिकल में प्राइमरी डेटा होता है, आर्टिकल के अंदर जो है वो जो है प्राइमरी डेटा होता है, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स होते हैं। जबकि रिव्यू आर्टिकल, जब कोई मतलब रिव्यू आर्टिकल लिखा होता है तो रिव्यू आर्टिकल का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई प्राइमरी एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है, बल्कि उसके अंदर डिस्कशन है, यानी एक तरह से कह लो कि आप दूसरे पेपर्स को डिस्कस करते हो, दूसरों के पेपर्स को डिस्कस करके उसके प्रोज एंड कॉन्स बता रहे होते हो और फिर फ्यूचर डायरेक्शन बता रहे होते हो कि भाई फील्ड की फ्यूचर डायरेक्शन ये है। तो रिव्यू आर्टिकल के अंदर आपको कभी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ अगर आप सिर्फ रिव्यू आर्टिकल देखना चाह रहे हो कि भाई सिर्फ मुझे ये पता चल जाए कि रिव्यू आर्टिकल कितने पब्लिश हुए हैं 2017 से 2020 तक जिनके फुल टेक्स्ट अवेलेबल हैं, तो ये आपके सामने सिर्फ रिव्यू आर्टिकल आ जाएंगे, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कह लो कि दूसरों की स्टडीज को इवेलुएट किया होता है, इंटरप्रिटेट किया होता है, उसके एनालिसिस की होती है, उनके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस किया जा रहा होता है, फिर फ्यूचर डायरेक्शन बताई जा रही होती है, तो सिर्फ वो चीजें को एक्सपेरिमेंट किया गया होता है उसे रिव्यू आर्टिकल कहते हैं। सही है, तो यहाँ पे आप फिल्टर्स यूज कर सकते हो मल्टीपल, और इन मल्टीपल फिल्टर्स को यूज करते हुए आप अब यहाँ पे अगर आप डेट वाइज जाना चाहो तो अलग से इसको आप डेट वाइज भी कर सकते हो, आप 5 साल के आर्टिकल भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको 5 साल के आर्टिकल बता देगा। तो इस तरह से आप अपनी सर्चिंग को जो है वो क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। एडिशनल बहुत सारे फिल्टर्स हैं, या अगर आप देखते चले जाओ तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लैंग्वेज स्पेसिफिक हैं, कोई स्पीशीज स्पेसिफिक है, आप देखना चाह रहे हो सिर्फ ह्यूमंस की कि भाई मायोकार्डियल इन्फेक्शन से रिलेटेड स्टडीज जो ह्यूमंस में हुई है सिर्फ मुझे वो शो करो, तो एडिशनल फिल्टर में जाके ये तुम्हें वही स्टडीज शो करेगा। अब ये देखो फिल्ट्रेशन होगी क्या, 2015 से 2020 तक ऐसे आर्टिकल जिसमें रिव्यू आर्टिकल, अब यहाँ रिव्यू पे चेक लगा हुआ है इसलिए सिर्फ रिव्यू आर्टिकल दिखा रहा है, अब यहाँ से चेक हटा देते तो ये तमाम आर्टिकल दिखाएगा। अब ये तमाम वो स्टडीज दिखा रहा है जो कि जिसमें ह्यूमन मॉडल इस्तेमाल हुआ है, यानी ह्यूमन के ऊपर जो स्टडीज हुई है ये सिर्फ वो ही दिखा रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे एडिशनल फिल्टर में ह्यूमन स्पीशी को क्या किया था, सिलेक्ट किया था। सही है, तो एडिशनल फिल्टर में आप जाके और भी फिल्टर लगा सकते हो, और भी चीजें कर सकते हो, जो है वो कोई क्लिनिकल स्टडी है अगर आप से वो देखना चाह रहे हो, या कोई डिफरेंट टाइप की स्टडी है जिसको आप ढूंढना चाह रहे हो, कोई ट्रायल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एडिशनल फिल्टर के अंदर आप लगा के आप बहुत इजीली जो है वो अपना जो डेटा है जिसको आप ढूंढना चाह रहे हो, जो लिटरेचर है उसको बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। इवन सब्जेक्ट वाइज भी आप यहाँ पे लगा सकते हो कि भाई मेरा जो सब्जेक्ट है ना वो बेसिकली किस से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन से रिलेटेड है, और ये किसी पर्टिकुलर सेक्स के अंदर जो है वो ये स्टडी की गई है, किसी पर्टिकुलर नेशन का डेटा आप देखना चाह रहे हो कि भाई मुझे पाकिस्तान का डेटा पता चल जाए या इंडोनेशिया का पता चल जाए जो स्टडी वहाँ कंडक्ट हुई है, तो ये बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप वो स्टडीज देखना चाह रहे हो जो बच्चों पे हुई हैं, या वो स्टडीज देखना चाह रहे हो जो एडल्ट एज पर हुई हैं, तो यहाँ पे आपके पास देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन, आप यहाँ पे चीजों को बहुत आसानी के साथ फिल्टर यूज करते हुए अपनी जो रिक्वायर्ड आपकी जो लिटरेचर है वो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड है सारा का सारा इसका, तो ये लेफ्ट साइड बेसिकली ये बता ही रहा होता है कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से चीजों को क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, बस कस्टमाइजेशन को इम्प्रूव करके आप ज्यादा से ज्यादा जो रेलिवेंट लिटरेचर है आप जो देखना चाह रहे हो उसको आप यहाँ से
एक्सेस कर सकते हो, सही है। चलो यहाँ से आगे चलते हैं, प्रिटी सिंपल। आप यहाँ पे डिफरेंट अपने इंटरेस्ट की चीजें सर्च कर सकते हो। आप लोग का एक असाइनमेंट इसके अंदर ये है कि जो आपका रेलेवेंट टॉपिक है किसी डिजीज को लेके, जो आपका इंटरेस्ट है, आप उसके ऊपर लिटरेचर सर्च करो, और उस लिटरेचर सर्च करने के बाद उनके बकायदा स्क्रीनशॉट का लगा के स्क्रीनशॉट बना लो कि ये मैंने लिटरेचर सर्च किया, ये मैंने फिल्ट्रेशन अप्लाई की, इनके स्क्रीनशॉट लेके एक वर्ड की फाइल में पेस्ट करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप मुझे इसको सेंड कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से प्रैक्टिस करके आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम सर्चिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तो इसका पैरामीटर ये हो गया। अब ये एक्चुअली ये पहले के रिजल्ट्स हैं कि ये पहले इस तरह से दे रहा होता था एडिशनल फिल्टर्स को, इस तरह से इसकी विंडो ओपन होती थी कि ये बता देता था कि यहाँ हमने आपने कौन कौन से फिल्टर अप्लाई किए हैं। नाउ इट्स लिटिल चेंज ना, अच्छा। अब फॉर एग्जांपल आप को कोई भी आर्टिकल आपको मिल जाता है, सही है। फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल है, आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो। अब आपको ये आर्टिकल की डिटेल देखनी है, जब आपको इस आर्टिकल की डिटेल देखनी होती है तो आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली जाके, अब इस आर्टिकल की आपने डिटेल देखनी है, आप जाके आप क्या करो, जस्ट इस पर क्लिक करो तो ये आपके सामने इसकी डिटेल जो है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक चीज दी हुई है DOI। ठीक है, PubMed पे जितने भी आपको आर्टिकल मिलेंगे ना, उन सब की एक स्पेसिफिक DOI होगी। DOI बेसिकली क्या है, DOI बेसिकली होता है कहते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। क्या मतलब है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ये बेसिकली एक यूनिक आईडी होती है आर्टिकल की। ठीक है, जितने भी आर्टिकल आपको पबमेड पे मिलेंगे ना, उनकी एक यूनिक आईडी आपको मिलेगी। जितने भी इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स है, जब इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड जर्नल जो है वो पब्लिश करते हैं अपने आर्टिकल्स को, तो वो उसकी एक DOI जनरेट करते हैं। ये DOI उसकी आर्टिकल की यूनिक आईडी होती है, या डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ये आईडी अगर आप कहीं भी ले जाके इंटरनेट पर डालेंगे तो आपके सामने जो पेपर आएगा वो उस आईडी जिसको असाइन की गई होगी वही आईडी आएगा। फॉर एग्जांपल ये अगर आप ये वाला अगर आप पेपर किसी के सामने ये वाली आईडी अगर आप ले जाके डालेंगे किसी भी जगह पे, तो आपके सामने जो आर्टिकल आएगा वो ये वाला होगा जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, तो ये वाली आईडी जो होती है DOI डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ये हर जो जितने भी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स हैं ये क्या करते हैं, इस आईडी को ये एक तरह की इनका जस्ट लाइक एनआईसी नंबर, इस आर्टिकल का एनआईसी नंबर है। जैसे हर आदमी का एनआईसी नंबर डिफरेंट होता है, इस तरह हर आर्टिकल की DOI जो है वो डिफरेंट होती है। ये DOI इसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। आप कहीं भी जाके डालेंगे इसको तो इस आईडी के अगेंस्ट जो चीज ओपन होगी वो एक तरह का इसका कह लो कि इसका एक नेटवर्किंग लिंक भी है, यानी ये जुड़ा हुआ है इसके साथ, यानी डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर जो है वो एक तरह का नेटवर्किंग लिंक है इस आर्टिकल का। ठीक है, तो ये आप जब खोलेंगे तो आपको ये DOI मिल जाएगा, सही। इसके अलावा अगर आप देखें, तो इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो फ्री टेक्स्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब ये दो जगह पे आपको फ्री टेक्स्ट दे रहा है, ये कह रहा है या तो आप जर्नल की वेबसाइट पे चले जाएं, ये वॉल्टर्स क्लवर ये बेसिकली पब्लिशर है, इसने इस आर्टिकल को पब्लिश किया है। ठीक है, ये जर्नल की वेबसाइट अगर आप चाहें तो इस पे से जाके आर्टिकल डाउनलोड कर लें, या अगर आप चाहें तो जी ये PMC ये बेसिकली पबमेड सेंट्रल ही है, इसने इसके पास इस आर्टिकल की का फुल टेक्स्ट मौजूद है, तो आप यहाँ जाके इस आर्टिकल का फुल टेक्स्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो
ठीक है। अभी देखिए ये आप पीएमसी पे आ गए, पब्लिश सेंट्रल पे आ गए, ठीक है। पब्लिश सेंट्रल पब्लिश बेसिकली मेडिसिन जर्नल ने किया है, वॉल्टर्स क्लूवर ये इसका पब्लिशर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ आपके पास पीडीएफ का ऑप्शन मौजूद होता है, तो आप जस्ट इसको डाउनलोड करना है तो आप इसको यहाँ पीडीएफ में पीडीएफ क्लिक कर लें, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा आर्टिकल जो इसका फ्री टेक्स्ट अवेलेबल है। अब ये पूरा आर्टिकल आपके सामने किस ऑथर ने इसको जो है वो लिखा है, इसके ऑथर कौन कौन से हैं, ये तमाम का तमाम जो है आर्टिकल आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी देखो इसके साथ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, ये कीवर्ड बेसिकली क्या है, वो मैश टर्म्स है, मेडलाइन जैसे यूज करता है एज अ मैश, एज अ कंट्रोल वोकैबुलरी, एज अ साइंटिफिक वोकैबुलरी इसको यूज करता है। अब आप भी जो यहाँ तक पहुंचे ना, तो यहाँ कीवर्ड्स में देखो आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो वर्ड है और जो वो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ठीक है, अब ये आर्टिकल आपके सामने आ गया पीडीएफ की शक्ल में, वो आप यहाँ से इसको आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर लो, तो इस तरह से आप आर्टिकल को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से भी कर सकते हो, ये जर्नल की वेबसाइट है, यहाँ जाके भी कर सकते हो, ये डायरेक्टली जर्नल की वेबसाइट खुल गई है, जर्नल भी ये देता है ऑप्शन, आप डायरेक्टली यहाँ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरह से आप आर्टिकल को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑप्शन ऐसा है कि सब में ऐसा नहीं होता कि आपको फ्री टेक्स्ट मिल जाए, बहुत सारे जर्नल्स हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन जो है ना वो रखी होती है, और वो क्या कर रहे होते हैं, वो जर्नल पेड होते हैं, यानी अगर आपको आर्टिकल चाहिए तो आपको उसके उस जर्नल को सब्सक्राइब कराना पड़ेगा, उसकी पेमेंट आपको जो है वो करनी पड़ेगी, आप उसके बाद ही क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पेपर है, अगर आप इसको देखें इसका फुल टेक्स्ट अवेलेबल है या नहीं, इसका भी फुल टेक्स्ट अवेलेबल है क्योंकि ये वही पब्लिशर है, ये क्योंकि इनका फ्री एक्सेस है जर्नल का, तो ये आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसका भी फुल टेक्स्ट अवेलेबल है, तो जिनके फुल टेक्स्ट अवेलेबल हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हो, और जिनके नहीं है आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आपने इस आर्टिकल को सिर्फ अपने एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज करना है, कहीं पे साइट करना है, तो आप वो साइट करने के लिए साइट भी कर सकते हो उसको, जैसे आप क्लिक करोगे ये आपके पास ऑप्शन दे देगा कि भाई आपने कॉपी करना है, इस चीज का साइटेशन है यानी इसका रेफरेंसिंग स्टाइल है, या आपने इसकी ये जो रेफरेंस स्टाइल है इसको डाउनलोड करना है, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आप इस पेपर का एज अ रेफरेंस के तौर पर यूज कर रहे हो तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर सकते हो ताकि इसको एज अ साइटेशन यूज कर सको, एज अ रेफरेंस इसको यूज कर सको, ठीक है। यहाँ इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे और भी दो तीन ऑप्शन है, जिनमें एक ऑप्शन ये है कि आप अगर चाहो तो इसके टेक्स्ट की समरी अपने पास क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, सही है। और या आप चाहो तो ये आपको इसकी समरी आपके ईमेल एड्रेस पे इस पेपर की वो आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आप, तो ये ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपने सेंड टू करना है तो आप इसको सेंड टू भी कर सकते हैं, ठीक है। साइटेशन मैनेजर पे भेजना है, ठीक है, ऐसे बाइब्लियोग्राफी के तौर पे यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो और भी चीजें के साथ जो है वो इस तमाम ऑप्शंस को यूज कर सकते हो पबमेड यूज करते हुए। अच्छा जी, इसके बाद अभी सारी चीजें वही हैं जो मैंने अभी बताई हैं आपको, कि क्योंकि ये डिस्प्ले ऑप्शन चेंज हो गए, मेरे पास ये इमेजेस पहले गए, तो आप सेव भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, अभी जैसे हमने देखा डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो वो मैं लाइव बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करो, ये जो इमेजेस इसमें लगी हुई इसको फॉलो ना करो क्योंकि ये थोड़ी सी ओल्ड है और ये थोड़ा सा डिस्प्ले चेंज हो गया है।
ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, क्लिपबोर्ड पे भी डाल सकते हो, ये तमाम ऑप्शंस वही हैं, सिर्फ इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया और कुछ नहीं है। ठीक है, क्रिएट अलर्ट कर सकते हो आप अपने पास कि आपके पास जो रिसेंट आर्टिकल्स आए तो वो आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाए। अच्छा, एक चीज होती है सिंगल साइटेशन मैचर। अच्छा, सिंगल साइटेशन मैचर क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल, सिंगल साइटेशन मैचर का मतलब ये होता है कि आप जो है वो किसी स्पेसिफिक आर्टिकल को सर्च कर रहे हो। ठीक है, क्या मतलब स्पेसिफिक आर्टिकल को? आपको ये पता है कि भाई आपको ऑथर का नेम पता है फॉर एग्जांपल, और आपको ये पता है कि भाई ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन से रिलेटेड 2017 में या 15 में या 16 में, और उसने ये आर्टिकल ये था वो ऑथर जिसने पब्लिश किया था, नाम आपको पता है और उसका जो है टाइटल आपको पूरा नहीं पता पेपर का क्या था, लेकिन वो रिलेटेड रेलेवेंट था उससे। तो आप क्या करते हो, जब आपके पास कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है ऑथर के बारे में, जर्नल के नाम के बारे में, आर्टिकल के बारे में, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंगल साइटेशन मैचर यूज कर। तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है पबमेड के ऊपर। आप जाके सिंगल साइटेशन मैचर पे आप क्या कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि भाई ये जो आर्टिकल है ये एक्सेसिबल है नहीं। सिंपल है, आप यहाँ जाओ पबमेड के डेटाबेस पे जाओ, ठीक है, या पबमेड की विंडो पे आ गए। अब पबमेड पे जब आप आ गए हो तो पबमेड पे अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा, ये रहा सिंगल साइटेशन मैचर। ठीक है, ये ऑप्शन अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और विंडो खुल जाएगी। ठीक है, सही, अब ये एक विंडो खुल गई और आप जो है ना वो इसके ऊपर सर्च करना चाह रहे हैं कोई स्पेसिफिक आर्टिकल जिसके बारे में आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको है। फॉर एग्जाम्पल, चलो हम यहाँ ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जी एक जर्नल है साइंटिफिक रिपोर्ट्स। ये देखिए सजेशन के अंदर दे भी देता है आपको कि कौन कौन से जर्नल्स हैं जो आपने कीवर्ड्स लिखे हैं उससे रिलेवेंट हैं। तो ये आपने कहा कि जी साइंटिफिक रिपोर्ट एक जर्नल है जिसमें 2017 में एक पेपर पब्लिश हुआ, मुझे नहीं पता वॉल्यूम क्या था, इश्यू क्या था, पेज नंबर क्या था, ऑथर का नाम पता है। फॉर एग्जाम्पल उसका ऑथर का नाम है वकास मोहम्मद। ठीक है, सही है। अच्छा, अब टाइटल वर्ड मुझे आर्टिकल का नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इज ऑल अबाउट बॉन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स। ये बॉन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन के बारे में था, BMP4 जिसे कह रहे होते हैं, बस अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है। तो पबमेड क्या करेगा, वो आपको इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे स्पेसिफिकली वो आर्टिकल ला के डिस्प्ले कर देगा। अब पबमेड ने क्या किया, जब आपने सिंगल साइटेशन मैचर का ऑप्शन यूज किया तो देखो उसने खुद ही उसकी मैच सर्च की, देखो खुद ही उसने जो सर्च ऑपरेटर्स हैं वो यूज किए। अगर तुम यहाँ सर्च विंडो को देखो तो उसके अंदर उसने जर्नल का नाम, उसकी डेट, ऑथर का नाम, ठीक है, और साथ साथ देखो ये खुद ही सर्च ऑपरेटर यूज कर रहा है स्मार्टली, एंड बेसिकली सर्च ऑपरेटर्स थे और ये इसने क्या किया, खुद ही सर्च ऑपरेटर्स को यूज किया। ठीक है, सबसे ज्यादा सर्च ऑपरेटर जो यूज होता है वो होता भी एंड है। ठीक है, अब उसने क्या किया, इसको सर्च किया और आपके सामने स्पेसिफिक पेपर लाके जो है वो डिस्प्ले कर दिया और आपका यहाँ पेपर लाके कि भाई ये वाला पेपर था बॉन जिसको आप ढूंढ रहे थे, बॉन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन 4 जो मोहम्मद वकास ने पब्लिश किया था जिसके ऑथर थे, और ये कहाँ पब्लिश हुआ था, ये बेसिकली साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिश हुआ था, ये SCI रैप, ये जो लिखा हुआ ये एक्रोनियम है साइंटिफिक रिपोर्ट्स का, और ये देखो किस साल में पब्लिश हुआ, ये 2017 में। तो ये इतना स्पेसिफिकली आपको इस आर्टिकल की ये DOI है, ठीक है, और इस आर्टिकल को आप फ्रीली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट एंड जो है वो साइंटिफिक रिपोर्ट की वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक है, जाके डायरेक्टली वहां से इसको यहाँ से डाउनलोड कर ले, ये डाउनलोड PDF है, इसको डायरेक्टली यहाँ से जाके डाउनलोड कर ले, या आप जो है वो इसको PMC के आर्टिकल पर जाके। तो अब सिंगल साइटेशन मैचर क्या करता है, आपको आपको जो है वो स्पेसिफिकली इस आर्टिकल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो
रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको लाके डिस्प्ले कर देता है। और यहाँ मैं आपको इसका जो प्रोटोकॉल वो बता रहा था कि अगर आप देखो तो वो आपको बता रहा होता है कि उसने देखो किस तरह से सारी आपकी टर्मिनोलॉजीज को खुद ही जो है वो और सर्च ऑपरेटर्स लगा के कन्वर्ट कर लिया और उसके अकॉर्डिंगली आपके सामने मोस्ट रेलिवेंट रिजल्ट। अब मैंने यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि जी जो मैंने जो सर्चिंग करनी है वो स्पाइरल गैंगलियन न्यूरॉन सेल्स के ऊपर करनी है, ठीक है, या मैंने फ्लो सॉर्टेड पे करनी है। मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा, सिर्फ BMP4 इस टाइटल का एक वर्ड, वो भी मैंने जो लिखा एक्रोनियम लिखा, यहाँ पे वो फुल एब्रीविएशन है उसकी, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन 4। लेकिन पबमेड इतनी स्मार्टली सर्चिंग करता है कि वो आपको स्पेसिफिक रिजल्ट जो है वो लाके प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे ये रिजल्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ये आर्टिकल है, ये आपके सामने आ गया कि जिसमें जो है वो बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन से रिलेटेड जो है वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, उसके रिजल्ट्स आपके सामने आ गए। आर्टिकल का एक तरीका ये भी होता है कि आर्टिकल में आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे, मैंने बताया ना रिव्यू आर्टिकल आर्टिकल में फर्क होता है, तो आर्टिकल में अगर आप देखो तो आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे, बकायदा एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे। देखो ये फिगर 4 आपको नजर आ रही है, बेसिकली ये आर्टिकल के रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन रिव्यू आर्टिकल में आपको इस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल के अंदर आप देखो तो बकायदा जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ग्राफ्स हैं और बकायदा रिजल्ट्स का सेशन है, डिस्कशन का सेशन है, वो आपको नजर आएगा, जबकि जो आपके रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं उसमें ऐसा सच आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से स्मार्टली काम कर रहा होता है पबमेड, तो इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये एक्सेल की शीट जो हमने वो डाउनलोड की थी वो भी अगर आप देखो तो वो वही टाइमलाइन वाली है। तो देखो ये बता रहा है 2020 में कितने आर्टिकल पब्लिश हुए इस कीवर्ड के, 176,342। तो इसको तो आपको देखने की जरूरत नहीं, जस्ट आपकी एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है पबमेड को यूज करते हैं स्मार्टली सर्चिंग के लिए, ठीक है। और ये जो सर्च ऑपरेटर्स हैं अगर आप इस्तेमाल करें तो वेल एंड गुड है, और अगर आप नहीं भी इस्तेमाल करते, अगर हम वैसे ही कोई लव्ज लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब ये मैंने चार अलग अलग तीन अलग अलग कीवर्ड्स लिख दिए, तो अब देखो ये वर्ड है मैंने जो लिखे, अब ये पबमेड क्या कर रहा है, इसको खुद ही स्मार्टली खुद भी सर्च कर रहा होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कोई किसी किस्म का जो है वो जो सर्च ऑपरेटर है वो यूज नहीं किया, अगर मैं करता तो और बेहतर रिजल्ट आते। अब यहाँ पे जो रिजल्ट दे रहा है अगर देखो तो सिर्फ 3 रिजल्ट दे रहा है, अब अगर तुम यहाँ देखो सिर्फ 3 रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है, सही है, कोई और रिजल्ट डिस्प्ले नहीं कर रहा। अच्छा मैंने चेक भी लगाया हुआ ना फिल्टर पे, ये आपको हटा देना चाहिए, ये रीसेट फिल्टर, रीसेट ऑल फिल्टर्स कर दें ताकि किसी किस्म का फिल्टर ना हो। तो 20 रिजल्ट्स आपके पास आ गए। एक मैंने टर्म लिखी LGR5 स्टेम सेल्स इन अ रेयर, और इसने क्या किया, अब मैं यहाँ ऑपरेटर भी लगा के देखता हूँ। ठीक है, तो ये ऑपरेटर मैंने लगाया था क्योंकि इससे रिलेटेड टोटल आर्टिकल ही इतने हैं इन अ रेयर में, स्टेम सेल से रिलेटेड जो LGR5 सेल्स हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल ही टोटल ये हैं। तो ये जो मैंने जो सर्च ऑपरेटर्स लगाए हैं उसके बाद रिजल्ट्स में कोई ऐसा सच डिफरेंस नहीं आया। मैं एक और वर्ड बना देता हूँ यहाँ पे, अब देखते हैं। जब मैंने वेस्टिबुल का वर्ड लगाया तो सिर्फ एक ही आर्टिकल यहाँ पे आ रहा है जो कि रेलेवेंट है, पब्लिश हुआ है 2016 में, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा एक और चीज होती है, एक और भी तरीका है पबमेड पर सर्चिंग करने का, वो ये है कि आप डायरेक्टली ना ऑथर के नाम के साथ भी सर्चिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है
कि जैसे आप क्या कर सकते हैं, एक और जो स्ट्रेटेजी होती है पबमेड को यूज करने की, वो ये है कि आप डायरेक्टली ऑथर के नाम के साथ भी सर्चिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले सारे फिल्टर हटा दें। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि भाई कि मैं फॉर एग्जाम्पल आप ऑथर के नाम के साथ भी देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि भाई इस पर्टिकुलर ऑथर के कितने आर्टिकल हैं। आपने ऑथर का नाम लिखा, अब देखें ऑथर का नाम के ऊपर अगर आप जाएंगे तो ऑथर फॉर एग्जाम्पल अगर वकास ऑथर है तो वकास नाम के बहुत सारे ऑथर्स हो सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, वकास के साथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि बेसिकली वकास के साथ जो वकास ने आर्टिकल पब्लिश किए उसके साथ स्पेसिफिक उसके डोमेन क्या है, उसकी फील्ड क्या है। फॉर एग्जाम्पल तो आप किसी भी ऑथर के साथ जिसका आप काम देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप फॉर एग्जाम्पल जब आप सर्चिंग शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि जी यूएस की ये लैब है, यहाँ पे ये प्रोफेसर है, मैं इनका काम मुझे मैं इंस्पायर हुआ इनके काम से, मैं देखना चाहता हूँ इनकी डायरेक्शंस क्या हैं और ये किस तरह से काम कर रहे हैं। तो आप बकायदा ऑथर का नाम लिख के उनकी उनकी फील्ड लिख के आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। अब ये जो रिजल्ट देंगे, ये वो रिजल्ट दे रहे हैं जिसका काम आपने यहाँ डोमेन स्पेसिफिक कर दिया। तो इसने क्या किया, इस ऑथर के, ठीक है, इस डोमेन में से रेलेवेंट जो शख्स हैं उसके साथ सारे उसके आर्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अब इसने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया कि भाई ये एक आर्टिकल है, ये एक आर्टिकल है जो उन्होंने पब्लिश किया है, ये आर्टिकल है जो ऑथर का है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ गए जो के स्पेसिफिक उस ऑथर के हैं। सही है? अच्छा, अब इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि आप लोकेशन वाइज भी कर सकते हैं, एरिया वाइज भी कर सकते हैं। आप बोले नहीं जी ये तो ऑथर है, ठीक है, इनका काम है, बिल्कुल है, ठीक है, इनका काम जो है वो फॉर एग्जाम्पल ये इनका ताल्लुक कहाँ से है। अब फॉर एग्जाम्पल आप स्पेसिफिक कर सकते हैं कि भाई ये इस यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है वो इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और ये इनकी फील्ड है और ये इनका एड्रेस है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि अब पबमेड मुझे बताएं कि ये इस ऑथर के जो इसने इस यूनिवर्सिटी से काम किया है वो क्या काम किया है। यानी अगर आप देखो कितनी स्पेसिफिक सर्चिंग हो गई, आपने क्या किया, आपने पबमेड को बताया कि ये ऑथर है, ये इसकी फील्ड है, ठीक है, और ये इसका इदारा है जहाँ इसने काम किया है। अब आपने पबमेड को कहा कि भाई इस बंदे का इस पे ये काम है, अब मुझे बताओ कि इसने इस यूनिवर्सिटी से इस इदारे से क्या काम किया है रिसर्च का। ठीक है, तो आप क्या करेगा, पबमेड आपको ये भी यहाँ पे सर्च करके बता देगा, वो बताएगा कि स्पेसिफिकली इस ऑथर ने इस इदारे से इस फील्ड में ये काम जो है वो पब्लिश किया है। ठीक है, आप किसी एक आर्टिकल को ले लो तो आपके सामने ये रिजल्ट आ गए, जिसमें आपके पास अगर आप देखना चाह रहे हो कि इसने किस किस इदारे से किया है तो आपके पास इसकी एफिलिएशन भी आ जाएगी। अब यहाँ देखो तो ये एफिलिएशन भी डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अब ये एफिलिएशन बता रहा है कि भाई ये जो ऑथर है इसकी पहली एफिलिएशन है वो इस इदारे से है। ठीक है, साथ साथ इसकी दूसरी एफिलिएशन है वो इस इदारे से। अब क्योंकि हमने वहां पे स्पेसिफिक कर दिया था यूनिवर्सिटी का नाम, तो उसने यहाँ पे हमें डिस्प्ले किया कि भाई इस ऑथर की इस इदारे के साथ भी एफिलिएशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑथर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को भी, अब फॉर एग्जांपल आप कहो कि नहीं भाई ये आप मुझे बताएं कि इस ऑथर की इस इदारे से नहीं, आप इस इदारे से बताएं कि इसका क्या काम है। तो पबमेड क्या करेगा, अब स्पेसिफिकली आपको क्या करेगा, वो बताएगा सिर्फ और सिर्फ इस ऑथर का वो काम जो कि उसका इस इदारे से उसने जो है वो पब्लिश किया है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखो तो ये आपको बता देगा, आपको यहाँ पता चल जाएगा कि अगर एक्सपेंड करोगे एफिलिएशंस को तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि भाई ये ऑथर है
और इस ऑथर को मैं देख रहा था, ये ऑथर है और इसका इसकी जो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है वो कहाँ से है। तो ये देखो यहाँ ये आपको पता चल जाएगा कि भाई ये इस यूनिवर्सिटी से इन्होंने ये वाला काम जो है वो क्या किया है, इसको पब्लिश किया। तो एक स्ट्रेटजी ये भी होती है, इवन कि आप यहाँ पे शहर वाइज भी स्पेसिफिक कर सकते हो, यहाँ पे आप सिटी का नेम भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप सिटी भी स्पेसिफिक कर सकते हो, कराची पाकिस्तान भी कर सकते हो, जिस लैब की एरिया वाइज भी आप कर सकते हो, यानी इतना स्पेसिफिक भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये खुद ही, अब देखो मैंने यहाँ पे कोई ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, सर्च ऑपरेटर नहीं यूज किया हुआ है, ये खुद ही क्या कर रहा है, ये खुद से ही ऑपरेटर यूज करते हुए क्या कर रहा है, हमें ऑप्शंस जो है वो दे रहा है कि भाई ये इस ऑथर वाइज इस ऑथर के ये काम है जो कि। तो इस तरह से पबमेट पे सर्चिंग स्ट्रेटजी एक ही होती है कि आप ऑथर वाइज भी क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। आप किसी प्रोफेसर के साथ, आप उसके साथ उससे इंस्पायर हो, तो आप उसके काम को स्पेसिफिकली देख सकते हो कि भाई उसका फील्ड में काम क्या है, और बहुत बहुत रेलिवेंट। अब फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो किसी दूसरे मुल्क चले जाते हो, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हो, और आप देखना चाह रहे हो कि भाई इस यूनिवर्सिटी में मेरी फील्ड से रिलेटेड कौन काम कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली क्या करोगे, आप पहले तो ऑथर्स देखोगे कि भाई वहाँ पहले प्रोफेसर देखोगे कौन कौन लोग हैं। ठीक है, आपको लगा कि ये जो प्रोफेसर है ना, इनका डोमेन मुझे लग रहा है कि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड है और मैं इनके साथ काम कर सकता हूँ, तो आप क्या करोगे, आप एक तरीका ये कि आप सिंपल पबमेड पे उनका नाम लिखो, ठीक है, उनकी फील्ड लिखो, उनका उनके उनकी यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में आप आए हो उसका नाम लिखो, ठीक है, और एरिया का नाम लिख दो, शहर का नाम लिख दो। आप जिसको जैसे सर्च करोगे तो उस पर्टिकुलर प्रोफेसर के जो आर्टिकल्स हैं रेलेवेंट टू दैट फील्ड आपके सामने खुल जाएंगे, आप स्टडी कर सकते हो उसको, कि इनका काम क्या है, इन्होंने कैसे किया है, क्या चीजें किस तरह से की हैं। तो इस तरह से आप पबमेट को जो है वो यूज कर सकते हो ऑथर्स के बारे में भी, प्रोफेसर्स के बारे में भी, रिसर्चर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए और उनके काम को देखने के लिए। अगर आपके पास स्पेसिफिक ऑथर का नाम है तो स्पेसिफिक ऑथर के नाम को लेके भी सर्चिंग कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर ऑल दिस लैब, कि किस तरह से रिट्रीव करते हैं इंफॉर्मेशन को, साइंटिफिक लिटरेचर को किस तरह से रिट्रीव करते हैं, और ये इस तरह से हम पबमेड को यूज कर करते हैं। ठीक है, सो इट्स ऑल डन, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।